हाय दोस्तों, रीसेल का ये प्रॉपर्टी है एसके इम्पीरियल हाइट मीरा रोड ईस्ट में दहिसर चेकनका के पास बिल्कुल हाईवे पे ही बना हुआ है। रीसेल की प्रॉपर्टी है, एक अच्छे प्राइस में था, इसके लिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। आप देख लें, एसके इम्पीरियल हाइट जो टावर है ना, उसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस वगैरह, जिमनासियम वगैरह सब कुछ डेवलपर ने बनाया है। ओसी भी आ चुका है और आप बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और हार्डली एक 50-60 मीटर के डिस्टेंस पे आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे टच कर जाते हैं। ठाकुर मॉल के जस्ट अपोजिट में बना हुआ है। आइए देखते हैं ये फ्लैट है, उसके बाद फिर बात करूंगा। कुछ मैं आपको झलकियां दिखा रहा हूं, पहले देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको इन डिटेल बताता हूं। अभी जो आपने प्रॉपर्टी देखा है ना, इसके डिटेल मैं आपको बताऊं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। अभी जो आपने प्रॉपर्टी देखा है, इसका डिटेल में आप देख लें। यहां से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ इसका लिविंग एरिया है, इस तरफ इसका डाइनिंग टेबल का एरिया दिया हुआ है और मैं आपको इसका पूरा हॉल का लेंथ दिखाता हूँ। बटरफ्लाई टाइप का 2 BHK मिल रहा है। हर एक फ्लैट में आप देखें, आपको सिटिंग बालकनी मिल रहा है करीबन 3 से 4 फुट का। ये इसकी बालकनी है, यहाँ से आप बाहर का व्यू देख लें। एक बार विंडो के साइड से मैं आपको दिखा दूं, ये इसकी लेंथ है हॉल का। इसमें आप अपने हिसाब से, अपने आर्किटेक्ट से डिजाइन करवा सकते हैं कैसे क्या करना है। अभी चलते हैं, इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं। कॉमन बेडरूम देख लें, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे वार्डरोब मिल रहा है। अभी क्या है, ये स्पेस जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जब आप घर खरीदेंगे, घर खरीदने के बाद आप इसको बहुत खूबसूरती से बना सकते हैं। ये इसकी बालकनी है, आप देखें, आपको सिटिंग बालकनी मिल रहा है करीबन 3 फुट का। यहाँ से आप बाहर का व्यू देख लें। और एक बार विंडो के साइड से मैं ये फ्लैट शो कर रहा हूँ कि विंडो के साइड से कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ से जब आप लिविंग डाइनिंग से आगे आएंगे, वॉशरूम वगैरह कैसे कनेक्ट हो रहा है वो देखते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, इसमें स्टार्ट में बेसिन, बीच में शावर एरिया दिया हुआ है और उसके बाद कमोड का स्पेस दिया हुआ है। ये इसका किचन है, किचन में आप देखें तो काफी बढ़िया फर्नीचर इन्होंने बनाया है, मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट्स, गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म दोनों साइड दिया हुआ है और वॉशिंग मशीन के लिए बाहर जगह दिया हुआ है, 2 से 3 फुट का जगह बाहर दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, डिश वॉशर रख सकते हैं, कपड़े धोने और सुखाने का प्रोविजन कर सकते हैं। यहाँ से आप बाहर का व्यू देख लें। एक बार अंदर से आपको फ्रिज का स्पेस दिखा देता हूँ। और अभी चलते हैं, इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और अंदर आते ही आपको इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिल रहा है। इसमें स्टार्ट में बेसिन, बीच में शावर एरिया दिया हुआ है और उसके बाद कमोड का स्पेस दिया हुआ है। इसके आगे का ये इसका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का स्पेस, फर्नीचर। मास्टर बेडरूम की लेंथ मैं आपको दिखाऊं, ये इसकी लेंथ है। यहाँ देख सकते हैं, एडल्ट्स का बेड डाला हुआ है, एक 6x7 का बेड डाला हुआ है, तो भी एक अच्छा खासा स्पेस इनको मिल रहा है। करीबन 2 से 3 फुट का बालकनी है इसका, ये आप देख लें। यहाँ से आप बाहर का व्यू देख लें। एक बार मैं अंदर के साइड से पूरे दिखाते हुए आता हूँ। ये देखें, ये पूरा स्पेस आपको स्टोरेज के लिए मिलेगा कबर्ड का।
और अंदर से मैं आपको इस पूरे फ्लैट का व्यू दिखा रहा हूँ। ये मैंने आपको 2 BHK दिखाया यहाँ तक। अभी इसका देखते हैं बाहर पैसेज किस तरह बनाया हुआ है। इस तरफ आपको स्टेयरकेस का जो स्टाइल कैसा किया हुआ है, क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप देख लें। आगे आएंगे, ये हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट है। आइए इसका एंट्रेंस लॉबी, उन्हें बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी नेम प्लेट के साथ। और यहाँ से इसका स्टेयरकेस दिया हुआ है, इस तरफ हाई स्पीड लिफ्ट और इस तरफ 2 हाई स्पीड लिफ्ट, एक स्टेयरकेस। एंट्रेंस लॉबी बिल्डिंग का खास पार्ट होता है, जहाँ से आप एंटर करते हैं, आप हो गए, आपके गेस्ट हो गए, आपसे मिलने आने वाले, एक बहुत ही अलग वो एक प्रभाव डालता है। इनका जो जिम्नासियम का क्या अरेंजमेंट है वो दिखाता हूँ किस टाइप का है। आइए, ये आप अरेंजमेंट देख लें और भी एमिनिटीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्विमिंग पूल अभी अंडर मेंटेनेंस है, कुछ काम चल रहा है इसके लिए, अभी ये खाली है, ये रिपेयर हो जाने के बाद कंप्लीट फिर इसमें पानी भरेंगे। ये मैं आपको बाइक पार्किंग, कार पार्किंग बना हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। ये आप देखें पार्किंग का जो इन्होंने प्रोविजन किया हुआ है, पजल पार्किंग और सरफेस पार्किंग है। ये स्ट्रेट इसकी पार्किंग की लॉबी है और दोनों साइड गाड़ी पार्क होता है कवर्ड पार्किंग का, ये स्ट्रेट जाने आने का रास्ता है और इस तरह से इन्होंने पार्किंग का प्रोविजन किया हुआ है। इसके अंदर का कम्युनिटी हॉल है, ये इसका एलिवेशन है। ये सोसाइटी एक काफी अच्छी सोसाइटी है, गेटेड कम्युनिटी है। ये कनेक्टिविटी इसकी काफी अच्छी है, रिक्शा बस को लेटिविटी ऐसी है, बिल्डिंग से नीचे उतरते ही सामने आपको 10 सेकंड में रिक्शा टच कर जाते हैं। इसका मेन एंट्रेंस है, ये बिल्कुल दहिसर चेकनाकस के पास में हाईवे पे ही बना हुआ है। आइए अब इसका डिटेल वगैरह जानते हैं। वेलकम टू प्रॉपर्टी प्लाजा, योर ट्रस्टेड पार्टनर इन रियल एस्टेट। Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, Vikas Banwar. अभी जो मैंने प्रॉपर्टी दिखाया आपको इसके इंपीरियल हाइट का, इसका डिटेल बता दूं। 2 BHK सेमी फर्निश फ्लैट है, इसमें एक ओपन कार पार्किंग रहेगा। ये बिल्कुल दहिसर चेकनाकस के पास में हाईवे पे ही बना हुआ है, मीरा भाईंदर में आता है ये, मीरा रोड का पिन कोड लगता है। बट यहाँ से मुंबई की जो कनेक्टिविटी है 1 से 2 मिनट की है, बिल्डिंग से आगे जाते ही हाईवे से जैसे आप चेकनाकस क्रॉस करते हैं मुंबई का पिन कोड लग जाता है। इस प्रोजेक्ट की बात करूं, 18 माले का टावर है, 3 विंग की पूरी सोसाइटी है, एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट दिया है इन्होंने जो मैंने अभी ऑलरेडी वीडियो में दिखाया आपको, 2 स्टेयरकेस है, सेमी फर्निश फ्लैट है, ओपन कार पार्किंग है। अगर आप यहाँ पे कवर्ड कार पार्किंग लेना चाहें तो 1,000 रुपीज कार पार्किंग का रेंट के हिसाब से आपको मिल जाता है, जिनके पर्सनल होते हैं। सोसाइटी में अवेलेबल है कुछ पार्किंग, CC आ चुका है यानी कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आ चुका है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है, PMC यानी कि MBMC का वाटर कनेक्शन भी है, इसमें गैस पाइपलाइन यहाँ पे आ चुका है। बिल्डिंग की एज हार्डली 5 साल के अंदर की ही बिल्डिंग है और ये जो फ्लैट है ये हायर फ्लोर पे है,
रेसिडेंशियल इसका फर्स्ट फ्लोर से है और जो फ्लैट का जो व्यू है वो सिटी व्यू है पूरा। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा, जहां पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो। एमिनिटीज तो कुछ देख ही चुके हैं, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, कम्युनिटी हॉल, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, ये सारा कुछ एमिनिटीज वहां पे दिया हुआ है दोस्तों। अब कनेक्टिविटी भी जान लें आप, यहां से 2 मिनट में आप हाईवे दहिसर चेकनगर पहुंच जाते हैं, दहिसर मेट्रो स्टेशन, ठाकुर मॉल, ट्रिनिटी इंग्लिश हाई स्कूल, प्रेम लक्ष्मण विद्यालय, नाइकी, पुमा, एडिडास, पेंटालून, रिवॉक और ये सारे का जो बड़े बड़े 10-10 हजार 5-5 हजार स्क्वायर फुट के जो शोरूम है जस्ट इस बिल्डिंग के सामने ही है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। डालमिया स्कूल एंड कॉलेज, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर, मैक्स मॉल, डी मार्ट, दहिसर स्टेशन, वर्धमान फैंटासी, मीरा रोड स्टेशन, ये सब हार्डली आप 10 से 15 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। 30 से 35 मिनट के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। ये 2 BHK की प्रॉपर्टी है, कार्पेट एरिया है इसका 620 स्क्वायर फुट, जिसकी फ्लैट कॉस्ट 1 करोड़ रुपया इनका डिमांड है, बट ये 90 लाख और 1 करोड़ के बीच में डील करेंगे। तो ये एक बार आपका पेमेंट कैसा है आप एक बार प्रॉपर्टी देखिए, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे, इन्वेस्टर से। जितना फास्ट आपका पेमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम अच्छा खासा नेगोशिएट करवा के देंगे आपको। 1 करोड़ इनका डिमांड है, 1 करोड़ रुपये इनकी कोटिंग प्राइस है, बट 90 और 1 CR के बीच में एक अमाउंट होगा जिसमें डील होगा। आप एक बार फ्लैट देखने आइए तब बात करेंगे। फुल एंड फाइनल पर बॉटम प्राइस ऑनर साइड से मना किया हुआ है कि आप यूट्यूब पे अनाउंसमेंट ना करें। अगर आप जानना ही है तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे भी फोन कर सकते हैं, मेरी सेल्स टीम, मेरी बैक ऑफिस टीम आपको इसमें सारा फाइनल करेगी फोन के ऊपर। बस आज के वीडियो में रीसेल की प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन इतना ही। इस तरह के अर्जेंट सेल रीसेल की प्रॉपर्टी हो, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी हो, जो 30-40% डिस्काउंट पे मिलता है। इसके बाद हमारे पास जो न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी है, प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, तो हमेशा देखो बिल्डर जब लॉन्च करते हैं लॉन्च के पहले करीबन 10-15% अमाउंट उसका कम रहता है, 10-10% 15-15% सस्ता रहता है जब वो प्री लॉन्च स्टेज पे रहते हैं। आप भी अगर प्री लॉन्च प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, और इस तरह के फायदे वाली प्रॉपर्टी, प्री लॉन्च प्रॉपर्टी, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी या रीसेल की प्रॉपर्टी मैं डालता रहता हूं हमेशा। आपका अगर अर्जेंट बेचना हो तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। तो अगर आप फायदा कमाना चाहते हैं तो भी आप हमें फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारे टीम और हमारे जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार दोस्तों।